सेम है ना? ठीक है ठीक है भैया। सो गाइस फाइनली हेलमेट तो मिल चुका है हमें, ये देख लो आप कैसी है। आओ छोड़ इसको, मैं नहीं बैठता इसमें, छोड़ इसको तू, ये है ना अपना, ओए ये है अपना, छोड़ इसको। तो देखते हैं गाइस कहाँ पे नाका लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बुरा नाका लगा हुआ है, ये देख लो गाइस। तो अभी हम तो हेलमेट लगाते हैं गाइस, देख लेते हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यार आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ एक अच्छी सी राइड पे आज। सो मम्मा बोल रहे थे कि सिटी जाना है, सो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मा के साथ यार, देखते हैं आज क्या सीन रहता है सिटी में। आज का दिन भी गाइज यार घर के कामों में निकल जाएगा आज, मुझे नहीं लगता है मैं अपने किसी भी भाई के साथ मिल पाऊँगा, क्योंकि मम्मा के साथ जब भी जाओ ना यार मतलब टाइम बहुत लग जाता है यार कोई भी काम हो तो। आज तो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है यार सिटी में, 3-4 दिन से गाइज सिर्फ बारिश ही पड़ रही थी यार, उस वजह से ना मतलब व्लॉग भी नहीं बना पाया मैं। तो अभी जाके यार वेदर थोड़ा ना ठीक हुआ है, तो इसलिए आज आपका भाई निकल गया एक अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए। आज भी मतलब मेरा मन नहीं था वैसे व्लॉग बनाने का, बट मैंने कहा यार चलो आप भी रुकते हो यार, आपको भी कितना ज़्यादा वेट करना पड़ता है, मैं डेली व्लॉगिंग तो कर पा नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए यार। और वैसे भी मम्मा के साथ काम पर जाना है थोड़ा, चलो घर के भी हेल्प हो जाएगी, मैं बड़ी ज़्यादा कम करने लग गया हूँ वीडियो के चक्कर में, घर के तो काम भाई आपका करता नहीं है, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे वीडियो बनाने के लिए ऐसी बात बोल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो के चक्कर में ना कसम से मेरे को ना टाइम ही नहीं लगता घर वालों के बिल्कुल भी काम सुनने का, जो भी घर वाले बोलते हैं। अब से गाइज मैंने ये कर लिया है ना कि यार जो भी काम होगा घर का होगा या चाहे मैं कहीं राइड पर ही जाऊँगा, हर एक चीज़ का मतलब व्लॉग शूट करने की मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ना हर एक टाइप का व्लॉग बनाऊँ, अपने मतलब जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड भी। ऐसे मतलब कि पहले जब मैं व्लॉग बनाता था हमेशा सिर्फ राइड वगैरह के ही व्लॉग बनाता था गाइज, अपने लाइफ स्टाइल के रिलेटेड कोई नहीं, या घर वालों के साथ कहीं जाता था उस टाइप का मतलब एक भी व्लॉग अभी तक मैंने शूट करा नहीं। बट अब से मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना जो घर के भी काम है गाइज उनके भी यार व्लॉग बनाए जाएँ, आपका भाई यार क्या क्या काम करता है घर के, और घर वालों के साथ भी मतलब कितना घूमना पड़ता है मुझे, तो इसलिए आज मैं व्लॉग शूट कर लिया, वरना मेरा मन तो था नहीं आज यार। आप सबको एक चीज़ बताऊंगा ना यार हमारे साथ क्या स्कैम होते हैं, जब भी मतलब कि मैं व्लॉग बनाते हुए आता हूँ सिटी यार कोई कंटेंट मिलता नहीं है रास्ते में, कोई कुछ नहीं होता है। अगर आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा होता ना गाइस अभी तक पता नहीं कितने बंदों ने ना यहाँ पर क्लोज़ कॉल दे दी होती, यहाँ कई कई बंदे मतलब एक्सीडेंट होते होते रह जाते, इस टाइप के सीन होते हैं जब आप व्लॉग शूट नहीं कर रहे हो, पता नहीं यार क्या चक्कर है। और अभी परसों की बात है गाइस मैं जम्मू गया हुआ था, वहाँ पर मैं बाइक चला रहा था और मैंने मतलब व्लॉग शूट नहीं करा, आपको बता दूं यार वहाँ पे इतना तगड़ा सीन हो गया था, दो लड़के साइकिल लेके चल रहे थे हाईवे में, मैं पीछे से आ रहा था तेज़, ठीक है, जैसे मैं उनके पास पहुँचा ना एक लड़के का ना साइकिल अनबैलेंस हो गया, और मतलब बिल्कुल मैं उसके साथ टच होने वाला था, अचानक से बैलेंस हो गया उससे साइकिल तो वो रुक गया, वरना मैं उसके साथ टच हो जाता। और आप देखो उस टाइम सीन क्या चल रहा था, उस टाइम मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं रहा था, अगर व्लॉग शूट कर रहा होता गाइज मतलब ना तगड़ा कंटेंट मिल जाना था वहाँ पे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको यार जब भी व्लॉग बनाने निकलते हैं कंटेंट मिलता ही नहीं है हमें, मतलब बस रोड देख देख के ही बात करनी पड़ती है आपके साथ। अभी इसी वजह से मतलब मेरा मन ही नहीं करता है यार, जब तक एक आधा बंदा मेरे साथ नहीं होना, अकेले होता हूँ ना मैं सोचता हूँ यार आज क्या बनाना है, रोड में तो कुछ मिलना है नहीं क्योंकि हमारे साथ ये स्यापे होते रहते हैं। ये देख लो अभी यहाँ पर लग गया ट्रैफिक भाई, मम्मा को लेके यार मैं तो आपको पता है ज़्यादा रैश कर नहीं सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल मतलब स्लो चल रहा हूँ इस टाइम, अकेले होता अभी तक आपके भाई ने ना मेटाडोर से पास कब की ले ली होती यार। और रोड की कंडीशन ये जो जगह है ना ये कभी ठीक नहीं होगी यार, यहाँ पे ना यही हाल रहता है रोड का हमेशा की तरह, देख रहे हो आप क्या कंडीशन है यहाँ रोड की क्या बात है भाई, ये देखो ओ भैया ओ भाई साहब क्या बात है। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ उधमपुर के मेटाडोर स्टैंड पे, तो ये रहा अपना उधमपुर का पुलिस स्टेशन, ये देख लो भाई अभी हम यहाँ से ले लेंगे इस साइड के लिए टर्न, क्योंकि हमें जाना है कोर्ट वाली साइड, हाँ है डॉक्टर का क्लिनिक, सो अभी जल्दी से पहुँचते हैं हम कोर्ट वाली साइड और वहाँ से सिस्टर की दवाई वगैरह लेके बाकी के काम कर लेते हैं। अरे यार कितना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है यहाँ पर, कीचड़ में ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फ़िलहाल तो चलो आज मेरी बाइक गाइज मैंने वॉश करी नहीं है, गंदी है पहले की, ऐसे अगर वॉश करी होती ना फिर मूड ज़्यादा ख़राब होता है यार, फिर मन ही नहीं करता मेरा कीचड़ से निकलने का, और मैं कीचड़ वाले रोड पे ना जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको इतनी बात बता दूँ मैं बाइक खुद ही धोता हूँ यार, बाहर से वॉश करवा के वो फील नहीं आता गाइस जो यार मैं खुद वॉश करता हूँ ना जब घर पे,
बाकी आपने रील्स वगैरह में तो देखा ही होगा यार भाई अपनी बाइक कितनी साफ़ रखता हूँ मैं। बाकी जिसने फॉलो नहीं किया है या आईडी आ रही है जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर दो यार, 40K होने वाले हैं, बस जल्दी जल्दी करवा दो 40K। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ कोर्ट में, यहाँ पे भी कितना ज़्यादा रश है इस टाइम पे यार। सो मम्मा को यहाँ पे उतार देते हैं, देखते हैं। मम्मी जल्दी कर देना ठीक है, ओके ओके। सो गाइज़ यहाँ पे मम्मा को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा यार, मेरे को एक दो काम हो रहे हैं। आसिफ भाई ने मेरे को कल कॉल करा था यार, वो कह रहे थे कि हेलमेट का पूछना, जैसा आपका है वैसा हेलमेट लेना है। मैंने कटरा में शायद मिल नहीं रहा था, यहाँ पे तो मतलब बड़ी आसानी से मिल जाता है यार। तीन चार भैया की शॉप है जो मतलब कि लाते रहते हैं, जो भी हेलमेट ट्रेंडिंग वगैरह में चल रहे हो वो लेके आ जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं हेलमेट का पूछते हैं भैया से। भाई खड्डे देखो इधर रोड पे, रास्तों में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते, वही सीन है गाइस। यहाँ पे भैया की शॉप वो है पार। भाई भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा, बाइक लगाने की तो जगह ही नहीं, अगर मैंने मोड़ भी दी लगाऊँगा कहाँ। पहले गाइस पार्किंग देखनी पड़ेगी बिल्कुल रोड में, अगर बाइक रख दी यार ऐसा ना हो कोई ठोक के चला जाए। अंकल कर लो आगे, गाइस बहुत ही ज़्यादा गलत सीन यहाँ पे हो रहा है। आज इधर लगा देता हूँ मैं बाइक और चलते हैं भैया से हेलमेट का पूछ लेते हैं यार। भाई जगह ही नहीं है, करते हैं पता। भैया हेलमेट चाहिए थी इसी टाइप की, कितने तक मिल जाएगी? 1950 रेट बढ़ गया इसका, मैंने 1800 की ली थी, बढ़ गया। चलो ठीक है भैया, सेम है ना? ठीक है भैया। सो गाइज फाइनली हेलमेट तो मिल चुका है हमें, ये देख लो आप, और बिल्कुल सेम मिला है। ठीक है भैया कर दो पैक इसको। सो गाइज पूरा आधा घंटा वेट करने के बाद मम्मा यहाँ फ्री हुए हैं, ये देखो हेलमेट पकड़ लेना ये। मम्मी ने तो रोज़ा रखा है, रोज़ा रख के भी देख लो भाई कितनी हिम्मत है, इतना धूप में इतनी देर घूम रहे हैं, कोर्ट में कितने टाइम खड़े हुए हैं ये। एक एफिडेविट बनवाना था और इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा मुझे मम्मा का। लोगों के रिएक्शन क्या मिल रहे हैं भाई यहाँ पे इस टाइम पे, खतरनाक रिएक्शन। ये देखा आपने, वेट फॉर द क्यूट गर्ल रिएक्शन। क्या बात है भाई, भाई मुझसे ज़्यादा लोग बाइक को देख रहे हैं, क्या चक्कर है? इतनी आर एस इतनी सुंदर है यार, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। वेट वेट, अब गाइस फंस चुके हैं यहाँ बहुत बुरा, वो देख लो भाई हर एक साइड से। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद यार मैं ट्रैफिक में से निकल के आ गया हूँ। अभी मम्मा को छोड़ देते हैं यहाँ मेटाडोर स्टैंड। सो मैंने मम्मा को बोला कि आप मेटाडोर में ही चले जाओ, वैसे भी सामान हमने मेटाडोर में छोड़ना, मैंने कहा आप भी चले जाओ तो मेरे को मतलब थोड़ी आसानी हो जाएगी, मैं थोड़ा घूम लूँगा, मैं अकेले आ जाऊँगा घूम फिर के थोड़ा सा। सो अभी मम्मा को छोड़ते हैं हम यहाँ पे। मम्मा कहाँ पे लगी होती गाड़ी, चले तो नहीं गई है? नहीं आई है, टाइम लग जाएगा। ठीक है फिर ओके, इस गाड़ी तो यहाँ पे लगी नहीं है यार। सो अभी देखते हैं, भैया ने भी कॉल किया था, वो कह रहे थे मैं भी इसी साइड हूँ, बस यही है तीन चार चीज़ें यार। ठीक है फिर, क्या हाल चाल? ठीक है आओ, यही है ठीक है, कैसी है? आओ फिर मिलता हूँ तेरे साथ, मम्मी को लेके आता हूँ, इधर ही है सामान ले रहे हैं। ठीक है ओके। तो अभी यहाँ पे हमें एमएच में यार कोमल भी मिलने वाली है, कहाँ पर है ये देखते हैं। नहीं यार अभी आई वो कॉलेज से, अभी यहीं पे रुकी होगी कहीं, अपनी फ्रेंड को छोड़ने गई है। यहाँ पे रुकता हूँ देखता हूँ कब आएगी। सो गाइज अभी हम जाने वाले हैं विशाल में, मम्मा कह रहे हैं कुछ सामान लेना है, सो चलते हैं यार। मैं बाइक लगा देता हूँ पार्किंग में, मम्मी उतरो मैं आया बाइक नीचे पार्क करके। ठीक है सो गाइज अभी करने वाले हैं एक शूज सेलेक्ट, कोमल करवाएगी ये देखो। अच्छा सब तेरे पापा का है, इधर से इधर तक ये जो लाइन लगी हुई है ना। भाई दे आपको शूज सेलेक्ट करके यार, स्कूल वाला लेना है ये वाला करके देगी यार, ये भी अच्छा है ये वाला। इसको इधर रख देते हैं हम, और हेलमेट भी हम इसी में डाल लेते हैं।
छोड़ इसको, किसका लेके चली गई, छोड़ इसको, मैं नहीं बैठता इसमें, छोड़ इसको तू, ये है ना अपना, ओए ये है अपना, छोड़ इसको। सो फाइनली गाइस शॉपिंग वगैरह कर ली है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बट ये क्या सीन है यहाँ पे भाई, बाइक कहाँ से निकालूँ भाई, कौन सा पागल बंदा है यार, इधर ऑटो लगा दिया है इसने, ये तो मुश्किल हो गई यहाँ पे बाइक निकालना यार, गाड़ी के साथ लग जाएगी यार। भाई साहब मुड़ जा, कैसे कैसे पागल लोग हैं यार, इनको ये नहीं पता चल रहा कि अंदर से बंदा भी निकलेगा कोई। सो गाइस यहाँ आगे लगा हुआ है नाका, ओहो भाई आराम से मेरी बाइक के नीचे नहीं आ जाना यार। सो देखते हैं गाइस कहाँ पे नाका लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बुरा नाका लगा हुआ है, ये देख लो भाई। सो अभी हम तो हेलमेट लगा के हैं गाइस, देख लेते हैं क्या सीन रहने वाला है, ये देख लो। तगड़ा नाका लगा हुआ है भाई, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि आपको पता ही है। ओ आंटी क्या कर रहे हो भाई, आपका फुल सेफ्टी के साथ चलता है, बट यार नाका आपने देखा बिल्कुल मतलब गोल मार्केट के बीच में लगाया हुआ है नाका, गलत सीन भाई। इधर तो बंदा ऐसे मज़े से फंस जाए यार अगर आया हो ना, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। क्या हाल है भाई, ठीक हो? सो गाइस यहाँ सैलेतलाव में यार देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया भाई, निकलना मुश्किल हो गया यहाँ से यार। अभी एक गाड़ी वाले अंकल ने ना यार स्कूटी वाले एक लड़के को ठोक दिया था जो अपनी मम्मा को बिठा के जा रहा था, और आगे से बोल रहे उसी के ऊपर चढ़ रहे थे गाइस। उस टाइम कैमरा यार मैंने ऑफ रखा हुआ था, हमेशा की तरह वही, जब कंटेंट मिलना होगा इस उस टाइम ना कैमरा ऑफ होता है, यहाँ तो व्लॉग शूट ही नहीं कर रहे होते हैं। सो अभी देख लो, अभी मैं चल रहा हूँ ना, अभी कोई भी सीन नहीं होगा क्योंकि इस टाइम व्लॉग शूट हो रहा है गाइस, यही सीन होता है हर बार का। शुभुया कैसे हो? कोई नहीं और कहाँ चले आप? छाँव में रहना मम्मी, ठीक है। स्कूटी भी रोड मिल गई भैया, ये लो मम्मी, ये लो। बढ़ गई अभी अभी, ये ले। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से शेक वगैरह पी के। सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, जल्दी से यार मम्मी को पहुँचा देते हैं घर में। सो गाइस आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको ऐसे एक मस्त ब्लॉग में। तब तक के लिए यार चैनल पे नए हो जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी गाइस तो वीडियो पे भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना, और वीडियो को भी यार लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।